आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू का चिल्ला। इसके लिए चाहिए हमें बेसन एक कप, एक कप कसा हुआ कद्दू, नमक, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, काला जीरा, धनिया की पत्ती। अब एक बोल में ये कसे हुए कद्दू काला जीरा धनिया की पत्ती अमचूर पाउडर गरम मसाला पाउडर लाल मिर्च पाउडर नमक स्वाद के अनुसार ये बेसन डाल के थोड़ा मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके चिल्ले के घोल के जैसा घोल बना लें। हमारा घोल बन चुका है, ये देखिए इस तरह का। अब इसमें थोड़ा अदरक और मिर्च भी डाल लें। गैस पे अब तवा चढ़ाएं चिल्ला सेकने के लिए। हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब इसमें ये चिल्ला डालें। दो से तीन चम्मच घोल डाल के इसे अच्छी तरह से फैला दें। जितना पतला फैला पाएं उतना आप फैलाएं। ये खाने में बहुत ही स्वाद लगता है। गैस को धीमी आंच पे करके इसके ऊपर अब ये तेल फैला दें। तेल आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। आपका चिल्ला एक साइड सिक जाए तो इसे आप पलट दें। वापस से साइड में तेल डालें। हल्के हाथों से दबा लें। इस तरह से दबा दबा के सेक लें। गैस को धीमी आंच पे रहने दें। देखिए दूसरी साइड भी हमारा चिल्ला सिक चुका है। अब इसे हम निकाल लें। हमारा चिल्ला अच्छे से तैयार हो चुका है। उसके चार टुकड़े करके इस तरह से फोल्ड करके ऐसे सर्व कर दें। बच्चे इससे बहुत खुशी से खाएंगे। सॉस और चटनी के साथ सर्व करें।